हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त सचिन कुमार आज आपको बताने वाला हूँ जो फ़ोन की, लैपटॉप की जो मेमोरीज होती हैं। जैसे कि हम अगर दुकान पे फ़ोन लेने गए, भैया हम पूछेंगे कितने जीबी का है, कितने जीबी की रैम है इसमें, कितने जीबी की भैया हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे में दिमाग में उठते हैं। तो इसका पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई डिवाइस लेने जाएँ तो आप कन्फ्यूज ना हो और आप एंड्रॉयड मोबाइल या फिर लैपटॉप अच्छे से खरीद पाएं, ताकि आपको उसको खरीदने के बाद दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड्रॉयड डिवाइस और लैपटॉप में जो मेमोरी यूज होती है वो किस प्रकार से काम करती है, उसका क्या नाम होता है, और वो यूनिट कहाँ तक जाती है, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, और हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वो कितनी मेमोरी का होना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से यूज कर पाएँ। तो इस प्रकार की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली जो पांच यूनिट होती हैं, सबसे पहली पांच यूनिट होती हैं, तो सबसे पहली जो यूनिट होती है उसको वाइट बोलते हैं, वाइट। और उसके बाद आता है केवी। केवी का हिंदी में नाम है किलो वाइट। एक केवी में 1024 वाइट होते हैं। अब भैया एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ की जाती हैं, लैपटॉप में यूज़ की जाती हैं सारी मेमोरी, और सुपर कंप्यूटर तक जाती है, और गूगल भी इसी को यूज़ करता है। तो ये पूरी जानकारी आप दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आगे लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे मेमोरी के बारे में। तो केबी में होता है 1024 वाइट। उसके बाद आता है केबी के बाद एमबी। एक एमबी में 1024 केबी होता है। एमबी का पूरा नाम होता है मेगावाइट। एमबी के बाद आता है जीबी, उसे बोलते हैं गीगावाइट, गीगाबाइट या फिर गीगाबाइट ये बोलते हैं। जीबी का मतलब होता है 1024 MB, मतलब 1 GB में 1024 MB आते हैं। उसके बाद आता है टीबी। टीबी को बोलते हैं टेराबाइट। टेराबाइट में 1024 GB आते हैं। भैया अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम जो यूज़ करते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, कौन कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है। तो देखिए, नॉर्मली लैपटॉप में 500 GB या फिर 1 TB, मतलब 1024 GB या फिर 500 GB की यूज़ की जाती है, क्योंकि एक एक टीबी बराबर 1024 GB होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये मेमोरी यूज़ की जाती है। लैपटॉप में 2 TB की भी यूज़ कर सकते हैं, 1 TB यूज कर सकते हैं, या 1 TB से जस्ट आधा, मतलब 512 GB भी यूज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी प्रकार से उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं। थोड़ा प्राइस रैम पर भी डिपेंड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं उसको, RAM। तो 2 GB, 4 GB, 8 GB तक के, 10, 12, 15, 20, 25, पता नहीं, अलग अलग प्रकार की, जैसे महंगाई बढ़ती है उसी प्रकार से उसकी रैम भी बढ़ती जाती है। टीवी को आप समझ गए होंगे, टीवी लैपटॉप में यूज़ करते हैं, और CCTV कैमरों में यूज कर सकते हैं हम, और विभिन्न प्रकार के ऑफिसों में यूज होता है डाटा को सेव करने के लिए। उससे पहले की यूनिट जो है जीबी, वो नॉर्मली हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, मतलब 1 GB में। मैं अगर आपको डाटा में बताऊं कितना डाटा सेव हो सकता है, तो 1 GB में लगभग एवरेज वाली जो मेमोरी मूवी होती है HD मूवी, वो एक मूवी 1 GB में सेव हो जाती है। ठीक है, मतलब 128 GB तक के मोबाइल आते हैं, मतलब नॉर्मली जो यूज करते हैं हम, 128 GB तक के मोबाइल आते हैं, तो उसमें 128 मूवी HD वाली सेव हो सकती हैं, मतलब डाटा इतना सेव कर सकते हैं हम। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कितना डाटा इसमें सेव हो जाता है। तो आप अगर नॉर्मल मोबाइल लेने जाते हैं तो 16 GB, 32 GB और 64 GB का तक का यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे कम में यूज़ करते हैं, मतलब 4 GB, 8 GB में दिक्कत आती है। तो आप जब भी फ़ोन खरीदने जाएँ तो कम से कम 16 GB या 32 GB या 64 GB का खरीदें तो आपको काफ़ी रहेगा। और रैम कम से कम 4 GB होनी चाहिए आज के टाइम पर, 3 GB या 4 GB, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके फ़ोन में हैंग भी नहीं मारेगा, बहुत कम लैग्स करता है। अब इसके बाद की जो 4 यूनिट हैं, तो उसमें सबसे बड़ी यूनिट होती है। अगर मैं आपको कहूँ सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है किसी भी मेमोरी को नापने की, तो योटा वाइट बहुत बड़ी यूनिट होती है। उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी बड़ी यूनिट होती है। परंतु उससे पहले भी कुछ यूनिट हैं जो टीबी के बाद में और योटा वाइट के पहले आती हैं। अब मैं आपको उसके नाम बता देता हूँ, उसके बाद इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे। आप ये मत सोचना कि हर किसी में 1024 का ही डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। 1024 का डिफरेंस नहीं है, इसमें 1000 का डिफरेंस होता है। तो इसके बाद आता है PB, EV, GB और YB। अब इनके पूरे नाम और इनकी डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, PB को हम बोलते हैं पीटा वाइट। पीटा वाइट में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, PB
एक पीबी में 1000 TB होते हैं। मतलब नॉर्मली जो एक कंप्यूटर में जो यूज़ करते हैं ना, मतलब 1 TB का नॉर्मली आजकल कंप्यूटर आते हैं, 30-35 हज़ार रुपये के जो कंप्यूटर आते हैं, आप समझो कि 1000 कंप्यूटर के बराबर 1 PB में मेमोरी होती है। मतलब पीबी, पीटा वाइट इसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो आता है, अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि इसमें पीबी में कितने GB हो गए, तो मैं आपको बता दूं, 10 लाख GB होते हैं 1 PB में। 10 लाख GB मतलब 1 PB बराबर 10 लाख GB के होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। उसके बाद आता है हेक्सावाइट, सॉरी एक्सावाइट, इसके बाद आता है एक्सावाइट। एक्सावाइट में क्या होता है, देखिए, एक एक्सावाइट जो होता है 1000 पीटावाइट के बराबर होता है। मतलब इससे जो पहले की यूनिट थी ना, ई सॉरी पीबी, वो पीबी 1000 पीबी मिलकर 1 ईबी बनाते हैं। मतलब उससे थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो काफ़ी बड़ी यूनिट हो गई। मतलब इतना डाटा शायद आपने कभी देखा हो इतनी बड़ी डिवाइस को, कि इसमें इतना बड़ा डाटा हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीटा वाइट। भैया इसके लास्ट में आपको सबका ग्राफ मिल जाएगा, एक फ़ोटो खींच कर लगा दूंगा मैं, जो मैंने एक बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके लिए। उसके बाद आता है जीटा वाइट। जीटा वाइट पता कितनी बड़ी होती है, मतलब आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब आपको मैंने इससे पहली यूनिट जो बताई ईवी, वो ईवी 1000 ईवी मिलकर 1 ZV बनाते हैं, इसको बोलते हैं जीटा वाइट। बहुत बड़ी यूनिट है। और दोस्तों आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इतना डाटा यूज करने में पता है आपको कितने वर्ष निकल जाएंगे। मतलब 4 GB सॉरी 4G या 5G नेट से अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कितने वर्ष निकल जाएंगे, इतने वर्ष निकल जाएंगे। ऊपर देखिए संख्या कितनी बड़ी है, इतने वर्ष उसको डाउनलोड करने में निकल जाएंगे। आप नॉर्मली आप जो आप यूज़ करते हैं ऐसे डिवाइस से, इतने साल निकल जाएंगे, तो सोचो कितना बड़ा मतलब ये डाटा होगा। उसके बाद भैया योटा वाइट में 1000 जीटा वाइट होते हैं। मतलब इससे पहली वाली यूनिट जो मैंने बताई थी, जिसे जितना डाटा डाउनलोड करने में आपको इतने साल बीत जाएंगे, वो भी इसमें 1000 आते हैं, मतलब योटा वाइट में। तो बहुत बड़ी यूनिट है, और शायद ही किसी डिवाइस में, मैंने तो आज तक नहीं देखी, शायद आपने भी नहीं देखी होगी, शायद सुपर कंप्यूटर में भी इतनी बड़ी जो मेमोरी है वो यूज नहीं की जाती है, और गूगल शायद इसको यूज करता हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की और भी जानकारी से संबंधित वीडियो मैं लाऊंगा अपने चैनल पर। प्रोडक्ट, मोबाइल और अलग अलग प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको मैं इस चैनल पर दिखाता रहता हूँ। अगर आप इस प्रकार की वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़, जो लोग टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं या फिर बीटेक पॉलिटेक्निक कर रहे हैं साइंस से, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएँ कि वास्तव में होता क्या है, कन्फ्यूज़न आपका मिट जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपका धन्यवाद।